फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सब आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है दम पनीर काली मिर्च। मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। दम पनीर काली मिर्च बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम पनीर, 2 प्याज लिए, इसको मैंने बॉईल करके पेस्ट बना लिया है, 2 टमाटर लिया, इसको भी मैंने बॉईल किया और इसका पेस्ट बना लिया, 1 कप दही लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, रेड चिली पाउडर लेंगे, नमक लेंगे, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 इलायची और 2 लौंग लेंगे, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी ली है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें हम दही डाल देंगे, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे फेंट लेना है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डालना है इसमें हमें। नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाकी हमें सब्जी में भी डालना है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी को डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब जो ये पनीर है, हम इसे इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से चलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे मैरिनेट करना है। ये देखिए, हमें इस तरीके से इसे मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पनीर मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब में ऑयल डालेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब में। इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। जो तेज पत्ते थे वो डाल देंगे अब हम इसमें। जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे अब हम इसमें। प्याज का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से सबको मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। दस मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए, हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये प्रोसेस हमें धीमी आंच में करना है। ये देखिए, हमारा मसाला रेडी है। अब जो हमने पनीर को मैरिनेट किया था वो इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से हम इसे चला लेंगे। मसाले को और पनीर को अच्छे से हम मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, हमारा पनीर अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है। अब हमने जो इलायची और लौंग लिया था, ये देखिए, मैंने इलायची को इस तरीके से तोड़ लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल लिया है, इसको ढक के दम, ये दम पनीर है तो इसे हमें दम लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे सिल्वर फॉइल का यूज किया है। आप चाहे तो आटे का भी यूज कर सकते हैं। आटे को आप साइड में लेके लगा दें और ढक्कन से ढक दें। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिल्वर फॉइल को अच्छे से लगाना है और ढक्कन को अच्छे से दबा के ढक देना है। इसको आप मीडियम और हाई फ्लेम में नहीं, एकदम लो फ्लेम में इसे पकाना है हमें। ये देखिए, अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस सब्जी को तैयार होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए हैं, यहाँ हमारी सब्जी एकदम रेडी है। ये देखिए, मैं ढक्कन को हटा रही हूँ। ये देखिए, मैंने सिल्वर फॉइल को हटाया और यहाँ देखिए, हमारी सब्जी एकदम रेडी है, ऑयल अच्छे से छोड़ चुकी है। इसको
बहुत ही हल्के हाथ से आपको चलाना है, क्योंकि यहाँ पे पनीर बहुत ही नरम हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारी सब्जी यहाँ पे तैयार हो गई है, गैस को ऑफ करेंगे। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।